बॉलीवुड की उभरती सितारा भूमि पटनायकर आज अपना 27वां जन्मदिन मना रही हैं। हम भी उन्हें उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना चाहेंगे। भूमि अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीतकर अपनी पहचान बना चुकी है। ना सिर्फ वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं, बल्कि उनके लुक्स भी चर्चा का हमेशा से विषय रहे हैं। एक चीज जो आपने भी नोटिस की होगी वो ये कि कुछ ही सालों में उन्होंने काफी वेट लॉस किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। तो फिल्म दम लगा के हईशा के बाद भूमि पटनायकर बॉलीवुड की एक उभरती स्टार बन गई थी। बहुत कम लोगों को पता है कि इस फिल्म में काम करने से पहले वो यशराज के बैनर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर चुकी हैं। हालांकि बाद में किस्मत चमकी तो उन्होंने उसी कंपनी की 3 फिल्में साइन कर डाली। दम लगा के हईशा उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला था। दम लगा के हईशा ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी थी। फरवरी 2015 को रिलीज हुई इस फिल्म ने भूमिका ने आयुष्मान खुराना के साथ काम किया था। फिल्म में उन्होंने एक शादीशुदा औरत का किरदार निभाया था। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की थी। इसके बाद भूमि पटनायकर को अक्षय कुमार के साथ टॉयलेट एक प्रेम कथा नामक फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म स्वच्छ भारत के मिशन पर बनाई गई थी। इसके बाद उन्हें दोबारा आयुष्मान खुराना के साथ शुभ मंगल सावधान में भी देखा गया था। इसमें उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहा गया था। दोस्तों, भूमि पटनायकर ने नेटफ्लिक्स की लव स्टोरीज नामक सीरीज में जो अख्तर के सेगमेंट में एक्टिंग भी की है। वहीं अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो उन्हें अभिषेक चौबे की फिल्म सोन चिड़िया में सुशांत सिंह राजपूत के साथ लीड रोल में भी देखा गया था। इस फिल्म में वो डाकू का किरदार निभाती नजर आई थी। दोस्तों, अपने करियर के दौरान उन्होंने काफी वेट लूज भी किया है और ये वेट लॉस की जर्नी सभी ने देखी भी है। भूमि ने लगभग 25 से 30 किलो तक का अपना वेट घटाया है, जो कि काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही तमाम वीडियोस बनाता रहूंगा। नमस्कार।